नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदाघर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों में से काफ़ी लोग कहते भी हैं कि रियल इस्टेट के प्राइसेस आखिर इतने बढ़ क्यों रहे हैं। तो आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें ये बताने की कोशिश आपको नहीं कर रहा हूँ, ना ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रियल इस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं और जो बढ़ रहे हैं वो तर्कसंगत हैं कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हम इसमें नहीं करने वाले हैं, आपको एक चीज़ बताने वाले हैं जिससे कि आपके पैसे बच सकें या फिर यूँ कहें कि आप अपने पैसों को ऐसी जगह लगा सकें जहां पे उसकी सही कीमत लग सके, जहां पे आपके हिसाब से जो चीज़ें चाहिए वो मिल सकें। तो देखिए साथियों, अगर आप एक आंकड़ा लगाएं, हम लोग अभी अक्टूबर 2021 में आ चुके हैं, अक्टूबर 2020 से अभी तक के जो प्राइस ट्रेंड रहे हैं वो क्या रहे हैं वो इस वीडियो में बात करेंगे। और इसमें रियल इस्टेट के प्राइस ट्रेंड क्या है ये बात नहीं कर रहे हैं, जो रियल इस्टेट में मटेरियल्स लगते हैं, जो रॉ मटेरियल लगते हैं, उनके कॉस्ट में आखिर फ़र्क कितना आया है। तो ये फ़र्क जो आ रहा है इससे कितना प्रभाव इसके प्राइसेस में पड़ेगा और जो बिल्डर अपना प्री लॉन्च में बेच चुके हैं उनके लिए कितना टफ होने वाला है, यह चीज़ को भी जानेंगे। और इसमें आपके लिए समझना क्या है ज़रूरी, कहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इस मुद्दे पे बात करेंगे। 5-10 मिनट का डिस्कशन रहेगा और आपके लिए, आप में से जितने लोग भी घर खरीद रहे हैं या आपके जितने जानने वाले घर खरीद रहे हैं, आपको ये बातें उनको जरूर पहुंचाना चाहिए। यदि आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, पसंद आए तो ही लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जाहिर सी बात है अगर पसंद आए तो। देखें, अभी हमने एक लिस्ट निकाली है और इस लिस्ट में हमने जस्ट ये चीज़ें रखी हैं कि जो रॉ मटेरियल रखता है उसके क्या रेट बढ़ रहे हैं और रेट बढ़ने से कितने रेट में बढ़ने की संभावना है रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स में और वहाँ आपको ध्यान क्या देना चाहिए। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है वो हुई है एल्युमिनियम के पर केजी प्राइस में। एल्युमिनियम का जो प्राइस था अक्टूबर इसी साल 2020 में, अक्टूबर 2020 में जो प्राइस था उसकी पहले बात करें तो 190 रुपये पर केजी था, एल्युमिनियम की प्राइस की बात कर रहे हैं। और यही चीज़ मार्च 2021 में जो था 240 रुपये हो गया, यानी कि लगभग 26% का इसमें इंक्रीमेंट आ गया। उसके बाद अगर आप अभी की बात करेंगे मौजूदा महीने की, अक्टूबर 2021 की, तो इसके प्राइसेस 315 रुपये पर केजी हो चुके हैं। यानी कि जो आपका अक्टूबर 2020 का प्राइस था 190 रुपये, उससे अब में लगभग 65 से 66% जो है रेट इंक्रीज हो चुके हैं। अंदाजा लगाइए, जब फिनिशिंग वर्क आता है तो सबसे ज़्यादा काम लगता है एल्यूमिनियम का, चाहे वो विंडो हो, चाहे आपका टेरेस पे जाने के लिए रास्ता हो, वहाँ एल्युमिनियम का प्रयोग काफ़ी भारी मात्रा में किया जाता है। और जो प्रोजेक्ट बाहर ग्लास देते हैं, ग्लास पैनल देते हैं, उनको जो है एल्युमिनियम शील्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, तमाम चीज़ें हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, क्योंकि वैसे लिस्ट तो सबकी बढ़ी है पर मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, अभी आप स्क्रीन पर भी ये लिस्ट देख पाएंगे। दूसरे नंबर पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो केबल के जो केबल हैं इसमें कई mm के केबल आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक केबल की बात हो रही है। तो जो 1.5 mm का जो केबल है उसका जो प्राइस था वो पर मीटर 8.1 रुपीज़ था अक्टूबर 2020 में। मार्च में जो इसका प्राइस है उसमें कोई बढ़ोतरी घटोतरी हुई नहीं, वही 8.1 रुपीज़ पर मीटर रहा। लेकिन इस साल अभी का जो रेट है वो 12 रुपये, लगभग 13 रुपये पर मीटर हो चुका है। तो इसमें लगभग 60% का इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं जो उसका प्राइस हुआ करता था अक्टूबर 2020 में उसके मुकाबले। तीसरे नंबर पे अगर आप बात करें तो इसी के साथ क्लैश कर रहा है आपका GI पाइप, गैल्वनाइज्ड आयरन जो होता है उसकी प्राइसेस की बात करेंगे तो 100 mm का जो पाइप होता था उसका कॉस्ट हुआ करता था पर मीटर 780 रुपये और ये आज की रेट में 1196 रुपये हो चुका, लगभग 1200 रुपये पर मीटर। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए लगभग 53% की बढ़ोतरी यहाँ पे आपके रेट की हो चुकी है जो भारी मात्रा में यूज होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्मल मटेरियल यूज होता है स्टील का, यानी कि जो आपकी सरिया यूज होती है उसमें भी लगभग 52% का इंक्रीमेंट आया है अक्टूबर 2020 से अभी के बीच में। इसके साथ साथ जो आप ब्रिक देखते हैं, जैसे हमारे बगल में ये ब्रिक है, ब्रिक में भी कई कैटेगरी के ब्रिक आते हैं आपके, जैसे इसे हम सीमेंट ब्रिक कहेंगे या इसे हम फ्लाई ऐश ब्रिक कह सकते हैं, इसी तरीके से आपका सिपोरिक्स ब्रिक भी आता है, आपका AAC ब्रिक आता है, यानी कि जो प्री कास्ट ब्रिक्स हैं उसके भी रेट में काफ़ी बढ़ोतरी आई है। प्लस आप जो आर्टिफिशियल सैंड देखते हैं, हमारे इस तरफ भी है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे काम चालू है पेडेस्ट्रियन का, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। तो ये लिस्ट में आप देखिए तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर सारे मटेरियल का प्राइसेस बढ़ रहा है तो वो प्रोडक्ट जिसमें सारी चीज़ें यूज की जा रही हैं उसका रेट क्यों नहीं बढ़ेगा। अब समस्या कहाँ आती है ये समझिए,
मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में घर खरीदने जा रहे हैं, आजकल होता क्या है, टोकन सिस्टम है, आपने 20-25-50 हज़ार रुपये लाख रुपये का टोकन लिया और जाके आप सीधा बुकिंग करते हैं। आप नहीं करते तो आप जैसे और अलग लोग जो हैं एक साथ बुकिंग करते हैं। आप सोचिए ऐसे प्रोजेक्ट पे जहाँ पे खड्डा भी नहीं खोदा गया है, काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वहाँ पे आप जाके सीधा बुकिंग करते हैं, और अगर इस तरह का प्राइस ट्रेंड अपवर्ड देखा जा रहा है तो सेल प्राइस तो बिल्डर ऑलरेडी बुक कर लिया, यानी आपने फ्लैट 50 लाख का, 60 लाख का 2 BHK, 80 लाख का, 1 करोड़ का 3 BHK आपने ऑलरेडी बुक कर लिया। अब समस्या क्या होगी, यदि आपने ऑलरेडी बुक कर लिया और बिल्डर की नज़र में उसका फ्लैट बिक गया है, उसको मिल रहा है 5-10% अभी बुकिंग के टाइम पे, और मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका कॉस्ट जब तक पोजीशन वो देगा उस प्रोडक्ट का, वो काफ़ी बढ़ चुका होगा। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 30-40% मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। डीजल का रेट बढ़ रहा है, तो जितनी भी मशीनरी यूज होती है पूरे कंस्ट्रक्शन साइट पे, चाहे सीमेंट मिक्सिंग प्लांट की बात कर लीजिए, चाहे जो क्रेन होता है जिससे ऊपर नीचे सारा मटेरियल ले जाते हैं, इन सब में भी काम, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा रॉ मटेरियल के साथ साथ। तो अब जो आपका 50 लाख का फ्लैट है, बिल्डर ने जो पहले कैलकुलेशन किया था वो तो मौजूदा रेट के हिसाब से थे, पर जो ये रेट बढ़ते जा रहे हैं इससे समस्या ये आएगी कि इसके रिपरकशन कई रूप से देख सकते हैं आप। या तो क्वालिटी जो है कॉम्प्रोमाइज होगा, या तो पोजीशन में डिले होगा, या फिर जो अच्छे बिल्डर नहीं हैं वह ये भी हो सकता है कि उनका प्रोजेक्ट बंद भी पड़ जाए, जैसे हमारे ये बगल में बंद पड़ा है। इसके कारण कुछ अलग हो सकते हैं, मंत्री वेंटेज प्रोजेक्ट आप सबको पता है कितने लंबे समय से बंद पड़ा है, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप लोग घर खरीदिए तो ये जरूर मेक श्योर करिए वो बिल्डर कैसा है, वो लोकेशन कैसा है, अपनी नीड एनालिसिस करिए और उसके बाद ही उसमें पैसा लगाइए। अगर उसका रेरा आया और प्री लॉन्च में आपको जाना ही पड़ रहा है और रेट आपको अच्छा दिख रहा है तो ही जाइए। कोशिश करिए कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनका कंस्ट्रक्शन चालू हो, बिल्डर अच्छा हो, कैश फ्लो उसका अच्छा हो, वहां पे बुक करिए। जहां पे हमारी जरूरत लगती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म बनाया है जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको उसका समाधान दिया जाए। और देखिए कैश फ्लो बढ़ाने के और भी तरीके आजकल चल रहा है। बिल्डर तेजी से लैंड पार्सल बेच रहे हैं आउटस्कर्ट पे, यानी जहां लैंड के रेट कौड़ियों के दाम पे हैं वहां आपको एक प्रीमियम लोकेशन के रेट पे बेचे जा रहे हैं लैंड एनए करा के। तो लैंड क्यों बेचे जाते हैं भाई, जब आपका प्रोडक्ट इतना महंगा बिकता है तो आप लैंड क्यों बेचते हैं? क्योंकि लैंड बेचने से आपका कैश फ्लो स्ट्रांग होता है। लैंड बेचने में आपका खर्चा क्या है? आपने सैंक्शनिंग के खर्चे क्यों किए हैं? आपको बाउंड्री वॉल देना है और आपको मार्किंग करना हो, सीधा लैंड बेच देना है, सीधा सीधा आपका कैश फ्लो स्ट्रांग होता है। तो जो बिल्डर जो इस्टेब्लिश हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, अगर वो प्लॉट बेचते हैं तो इसका जाहिर सी बात है कि उनको फंड क्रंच कहीं ना कहीं है, और वो जो है अपना जो है एक तरीके से कैश फ्लो अच्छा बनाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। तो साथियों इस पूरे वीडियो को बनाए जाने के पीछे मकसद ये है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि जब भी आप अपने पैसों का निवेश करिए तो एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि बिल्डर कैसा है, लोकेशन कैसा है, जो आप चाहते हैं क्या वहाँ मिल रहा है, और इतना जब मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है तो आखिर इसको कैसे कॉपअप करेगा वो बिल्डर। इसीलिए कंस्ट्रक्शन होने दीजिए, अगर आप श्योर नहीं है उस बिल्डर के बारे में तो कंस्ट्रक्शन को होने दीजिए, उसकी पेस को देखिए और उसके बाद जो है आप उसमें निवेश करिए। यहाँ पर एक और टॉपिक है, इसको अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिर जो आप परसेंटेज की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन परसेंटेज की बात करते हैं वो क्या होता है। कंस्ट्रक्शन परसेंटेज मतलब जो CLP है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, उसको आप कंस्ट्रक्शन की पेस का परसेंटेज समझते हैं, वो गलत है। वो आपसे पेमेंट लेने का परसेंटेज है, ना कि कंस्ट्रक्शन के स्टेज का परसेंटेज। तो इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। यदि प्रयास पसंद आ रहा है तो आप लोग सौदाघर को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे तो हमें प्रोत्साहन मिलता है और आप लोगों तक ये ज्ञानवर्धन पहुंचता रहे, आप लोगों का निवेश सही हो, यही हमारी आशा रहेगी। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।